जियो कबीर चुतराई अत कहनी हर जप हृदय माहे सूरे ऊपर खिलना गिरे तठहर नाही कबीर सोई मुख तन है जा मुख कहिए राम देहि किसकी बापुरी पवित्र होए गो ग्राम कबीर सोई कुल पली जा कुल हर को दास जे कुल दास न उपजै सो कुल टाक पलास जेह कुल दासन उपजै सो कुल टाक पलास। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दे पावन चरणों के अंदर शुभायमान गुरु प्यार वाले गुरु सवारी सत्संगी जनों भगत बाबा कबीर साहब जी के पावन शब्दों आप समझण का विचारण का कबीर साहब जी के श्लोकों यत्न कर रहे हैं। श्लोक नंबर 108 तक गुरमुखो विचार हो चुकी है। श्लोक नंबर 108 तो लैके 111 तक का पाठ संगती रूप उच्चारण होया। आप संगतां ने सरवण भी किया, स्क्रीन के उपर भी आप दर्शन कर रहे हो। तो ये जो श्लोक नंबर 109 है ना, इनू ध्यान दे नाल बड़े ध्यान नाल समझो। कबीर चुतराई अत कणी, कबीर चुतराई अत कणी, हर जप हिरदय माही। चुतराई जिहड़ा शब्द है ना गुरमुखो, चुतराई शब्द गुरबाणी दे अंदर वख वख अर्थां दे विच आया है। जिवें असी आनंद साहिब जी की बाणी पढ़ते हाँ, ए मन चंचला, अगला की बचन है चुतराई किने ना पाया, शब्द चुतराई है ना, उत्थे चुतराई का अर्थ है चलाकी। चुतराई का की अर्थ है चलाकी, भी ऐ मेरे चंचल मन चलाकियां दे नाल रब किसे ने नहीं पाया, चुतराई चलाकी। एक बचन आउंदा रे मन मन माधो स्यों लाई है चुतराई ना चतर भुज पाई है, उत्थे चुतराई का अर्थ है चलाकी। पर इत्थे शब्द आया है चुतराई अत कणी। अत कणी का की अर्थ होंदा बहुत ज़्यादा, कणी का अर्थ है ज़्यादा, चुतराई अत कणी। हे कबीर चुतराई बहुत चंगी है, अतकणी चंगी है चुतराई। इत्थे चुतराई का अर्थ है सियाणप, चुतराई का की अर्थ बनेगा इस थान के उत्ते सियाणप। कहन लगे कबीर सियाणप बड़ी चंगी है, पर केड़ी सियाणप, हर जप हिरदय माही, ये सियाणप है चंगी, बहुत सियाणी गल है। यह कि गल, हर जप हिरदय
माहें जे हरी नू हिरदे विच्चों जप लईए, जे हरी नू परमेश्वर नू हिरदे दे राही जप लईए, ये बड़ी सियाणी गल है। सूरी उपर खेलना पुछया जी क्यों, क्योंकि जेड़ा ये नाम जपण का खेल है ना, धर्म का खेल है, गुरमुखो बंदगी करन दा खेल है, कहन लगे सौखा नहीं है। सूरी उपर खेलना, ये सूरी सूल का की अर्थ है सूली, कहन लगे सूली उत्ते खेलन वाली गल है ये। इस करके गिरै तां ठाहर नाहीं, जे डिग पईए फिर थां नहीं किते होर मिलनी। हुण गुरमुखो इस सीधे जे अर्थ ने इहदे, हुण इहदा अर्थ भाव समझो जी। एक शब्द आपां पढ़दे हाँ आखां, रोजाना पढ़दे हाँ, आखां जीवां विसरै मर जाऊं। अगला की बचना है, आखण औखा बोलिया करो नाल, आखण औखा साचा नूं। कदे मन च सोचा इदां भी परमेश्वर का नाम आखना औखा है? आपां कहिंदे आखण औखा साचा नूं। हुण वाहिगुरु कहना किन्ना औखा है? सारे बोलो वाहिगुरु। औखा है कोई, ये तो कोई औखा नहीं। फिर वो केड़ा नाम है जेडे नाम नू गुरु पातशाह औखा कह रहे हैं? सोचना पएगा ना भी जबान चो वाहिगुरु कहना तो कोई औखा नहीं। फिर गुरु पातशाह कह रहे हैं आखण औखा साचा नाम, भी भाई सच्चे दा नाम आखना बड़ा औखा है। यदा अर्थ वो औखा होर है कोई गल, हुण वो समझो जे। एक बचन आउंदा गुरु तेग बहादुर साहिब पातशाह दा, गुरमुखो गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दी बाणी अंदर मैनू लगदा है भी पहला ही शब्द है गुरु तेग बहादुर साहिब दा, जन नानक ए खेल कठन है। आखण औखा समझो जे औखा किवें है जन नानक, इत्थे कहना सूली उपर खेलना, ये भाई परमात्मा दी बंदगी इंज है जिवें सूली उत्ते खेलना होवे, इन्ना औखी है परमात्मा दे नाम दी बंदगी दी खेड, धर्म दी खेड कितें सौखी थोड़ा है। उत्थे पातशाह ने कहा जन नानक ये खेल कठिन है, हे नानक ये हर एक दे वस दी गल नहीं है, ये खेड बड़ी औखी है। हुण पातशाह औखी क्यों कह रहे ने, हुण समझो जी औखी क्यों है। गुरु तेग बहादुर साहिब पातशाह कहिंदे साधो मन का मान त्यागो, इत्थों शुरू हुंदा है शब्द, साधो मन का मान त्यागो। साधु जिहदा की अर्थ है सतसंगी जनों, सिमरन करन वाले भगत जनों, तुसी आ काम करो। की काम करना है? सब तो पहला साधो मन का मान त्यागो। पहला बचन कहा मन का मान त्याग, एक चिड़ त्यागनी है। अगला बचन काम क्रोध संगत दुर्जन की, काम नू भी छड़, क्रोध नू भी छड़, माड़ियां दी संगत नू भी छड़, तां औखा है। परमेश्वर दा नाम जपन लग्या, धर्म दी कमाई कर लग्या, गुरमुखो बड़ा कुछ छड़ना पैंदा है, वो छड़ना औखा है। जिवें मस्कीन जी एक बचन क्या करते सी, कदे उन्होंने का लैक्चर पढ़ो कि कहिंदे सन, कहिंदे सन माँ कहाउणा सौखा है पर माँ बनना बहुत औखा है। कहाउणा की है? कई बार रिश्तेदारां दे बच्चे आउंदे सानूं माँ कही दिंदे है, कोई छोटा बच्चा मिल जाए वड्डे बजुर्ग नूं देख के माँ कही दिंदा है, उदा कहाउणा ते कोई औखा नहीं, पर बनना ते औखा है ना। नौ महीने चेता रखो जे रब दी जोत नूं पेट विच रखना पैंदा है, अपना इत्थों तक हुंदा है वी माँ अपना भोजन तक भी छड्ड दिंदी है, कई बार जो चंगा लगता हुंदा है, हुंदा है इदां, डॉक्टर कह दिंदा ये भोजन नहीं खाना, उहदा बड़ा मन करदा पर छड्ड दिंदी है, दुख भोगदी है, दुख सहिंदी है, शरीरक पीड़ा सहिंदी है,
फिर कि जाके माँ बनती है, बड़ा कुछ सहती है ना माँ। हुण माँ कहाउणा ते माँ बनना दो वखो गल्लां ने गुरमुखो, परमेश्वर का भगत कहाउणा ते परमेश्वर का भगत बन जाना दोनों गल्लां औखियां ने। इसलिए पातशाह ने कहा आखण परमेश्वर का नाम आखना औखा क्यों है, क्योंकि मन तो हिरदे तो आखण लई बड़ा कुछ छड़ना पैंदा है। कि छड़ना पैंदा है? साधो मन नौ, गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह कहिंदे नौ चीज़ां छड़नियां पैंदियां ने तां जाके हिरदे दे विच्चों वाहिगुरु निकलदा है। जबान तो गल वक्खरी है, फर्क दे निकल जांदा है। हिरदे चों वाहिगुरु जदों निकलदा ना, नौ चीज़ां छड़नियां पैंदियां गुरमुखो, वो छड़नियां औखियां ने। किहड़ियां? समझो जे, साधो मन का मान त्यागो, मन का मान छड़ना पैंदा। एक दूजा काम क्रोध संगत दुर्जन की, काम छड़ना पैंदा, क्रोध छड़ना पैंदा, दुर्जना दी माड़ियां दी संगत छड़नी पैंदी है। चार हो गईआं तां ते अहनस भागो। फिर की बचन कीता? दुख सुख दोनों सम कर जाना। पंज और मान अपमाना। छे हरख सोग ते रह अतीता। सत तीन जग तत् पछाना। उस्त निंदा दो त्यागै। आ दो छड़नियां पैंदियां, दुनिया की झूठी वड्याई ते निंदिया छड़नी पैंदी है। कहन लगे आ नौ चीज़ां छड़नियां पैंदियां नाम जपण दे लई। नहीं नहीं टिकदा गुरमुखो, जे हंकार भी होवेगा, होमे भी होवेगी, काम विच भी मन फसिया होवेगा, क्रोध भी अंदर होवेगा, जबान चों वाहिगुरु कही जावांगे पर मन नहीं टिकना। जिहड़ा मन टिकाउणा है ना, पातशाह कहिंदे इह औखा है। आखण औखा साचा नाउ, अंदर दे हिरजे चों हिरदा अंदर तों बोले वाहिगुरु, वो औखा है, उहदे लई त्यागना पैंदा बड़ा कुछ। इस करके कहन लगे दुख सुख दोनों सम कर जाना और मान अपमाना। हरख सोग ते रह नियारो नाहे मान अपमाना। उस्त निंदा दो त्याग खोजै पद निर्माणा। कहो नानक ये खेल कठिन है। हे नानक आ खेड औखी है, इन्ना कुछ छड़ना औखा है, तीन जग तत् पछाना। इस करके कबीर साहब कहिंदे सूरी उपर खेलना। भाई ये धर्म की कमाई, परमेश्वर की बंदगी का रस्ता इंज है जिमें सूली दे उपर खेड रहा होवे। एक बचन आनंद साहब की बाणी भी पढ़ते हैं, भगतां की चाल नराली का की अर्थ है? दुनिया तो अलहदी। पहली निशानी की है परमात्मा दे भगत की? दुनिया तो वक्खरी चाल है। चाल का की अर्थ है? चाल का अर्थ है उहदा रहन सहन वक्खरा है, उहदा बोलना भी वक्खरा है, उहदा चलना भी वक्खरा है, उहदा खाना पीना भी वक्खरा है, उहदा सोचना भी वक्खरा है, सब कुछ वक्खरा है। इहनूं कहिंदे ने चाल। रब दे भगतां दी जिंदगी जिउण दी चाल वक्खरी हुंदी है भाई। चाला निराली भगतां केरी बिखम मार्ग चलना। वो औखे रस्ते ते चलदे है। ये परमात्मा दी भगती दी निशानी है। वो ये नहीं वेखता रस्ता औखा है जां सौखा है, वो ये वेखदा मंजिल ते किहड़ा लैके जाएगा। नुक्ता बड़े ध्यान नाल समझो गुरमुखो, क्यों गुरु पातशाह ने सानू कहा तीर्थ यात्रा का भुलेखा छड्ड दिओ भाई, छोड़ो वेख भेख चुतराई। क्यों कहा? एक कर्मकांड छड्डो भाई, पखंड छड्ड दिओ गुरमुखो। क्यों कहा गुरु पातशाह ने? पातशाह ने कहा ये जिहड़ियां चीज़ां ने ना ये रब तक नहीं लैके जांदियां, रब तक केवल परमेश्वर का नाम लैके जांदा। इस करके भाई परमेश्वर सब कुछ छड के परमेश्वर का नाम जपो। गल गुरमुखो ये थोड़ा हुंदी है भी गड्डी नवी है कि पुरानी है, गड्डी नवी है कि पुरानी है, इहदे नाल कोई मतलब नहीं। रस्ता कच्चा के पक्का
ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਸਤਾ ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵੇ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਗੱਡੀ ਉਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ। ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਭਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਏਤ ਮਾਰਗ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਤ ਰਾਹ ਪਤ ਪਵੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹੀਆ ਹੋਏ ਅਕੀਸ, ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਈਸ਼ਵਰ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਕਿਹੜਾ? ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰੀ ਉੱਪਰ ਖੇਲਣਾ, ਹੇ ਭਾਈ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਹੈ ਇੰਝ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੂਲੀ ਉੱਪਰ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਗਿਰੈ ਤਾਂ ਠਾਹਰ ਨਾਹੀਂ, ਭਾਈ ਜੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਏਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਝੋਲੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ। ਅਖੀਰੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤੇ ਗਿਰੈ ਤਾਂ ਠਾਹਰ ਨਾਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਸੋਈ ਮੁੱਖ ਤਨ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਦੋ ਸੋਈ ਨੂੰ ਦੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਂਕੜ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਘੋੜਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਔਂਕੜ ਲੱਗ ਕੇ ਸੂਈ ਬੋਲਣਾ, ਸੂਈ ਮੁੱਖ ਧਨ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸੂਈ ਮੁੱਖ ਧਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੁੱਖੜਾ ਧਨਤਾ ਯੋਗ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੁੱਖੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ? ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਕਹੀਏ ਨਾਮ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਹੈ ਸੋਹਣਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਤਾ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਰਾਤ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਕੋਈ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਗੋਇਲ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਨਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਆਪਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ੁਕਰਾਤ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਫਿਲੋਸਫਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਫਿਲੋਸਫਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹੁਤਾ, ਐਵੇਂ ਕਰੂਪ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਰੰਗ ਵੀ ਕਾਲਾ ਸੀ, ਕੱਦ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੇਵਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜਨ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵਾਰ ਵਾਰ? ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਸੋਹਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਢੰਗ ਵੱਖਰਾ ਵੇਖਣ ਦਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰੂਪਤਾ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਰੂਪ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਤੇਰਾ ਮੁੱਖ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਸੋਹਣਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਅਖਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹੈ। ਚੇਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਖਵਾਉਣ ਲਈ ਸੋਹਣੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੋਹਣੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁੱਖ, ਬੋਲੋ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁੱਖ ਉਜਲੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਉਜਲੇ ਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਨੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ? ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ।
रब दे दरबार तां उन्हां दे मुख सोहणे तां किहा सूई मुख तन है उन्हां दे मुख सोहणे जिन्हां ने नाम नूं ते आ। सुकरात कहिंदा मैं करूप हाँ इस करके शीशा मैनूं चेते करवाउंदा है वी तैनू तां सोहणे बन लई चंगे कर्मी करने पैणे आ। इह मैनूं चंगे कर्मां लई प्रेरदा है। ते चेला कहिंदा 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 जिहड़े मुख सोहणे ने उन्हां नूं कोई लोड़ नहीं। कहिण लगे उन्हां नूं सोहणा है उन्हां नूं वी लोड़ है। पुछा की लोड़ है? सोहणे मुख दे उपर कोई कलंक ना लग जाए बुरे कर्मा तो बचण दी लोड़ है। किन्ना बचन कमाला जे तू सोहणा है ते चंगे कर्म बुरे कर्म ना करी किते इस मुख ते कलंक ना लग जाए। इस करके गुरमुखो कबीर साहब कहिंदे सोई मुख तन है ओही मुख सोहणा है ओही मूँह धनता योग है जा मुख कहीऐ राम जिहड़े मुख दे विचों राम निकलदा है जिहड़े मुख विचों वाहिगुरु निकलदा है। देही किसकी बापुरी देही दी तां गल ही छोटी है। नाम जप के शरीर दा पवित्र हो जाना इह तां गल ही छोटी है। कहन लगे की हुंदा पवित्र होए गोग्राम जिथे भाई परमेश्वर का नाम जपण वाला बैठ जाता है ना जिथे वाहिगुरु की बंदगी करन वाला बैठ जाता है जिथे गुरु की बाणी पढ़न वाला बैठ जाता है वह बाणी पढ़न वाला शरीर की गल तो छोटी है। जिथे नाम जपण वाला बहिंदा है वह सारे का सारा नगर ही पवित्र हो जाता है गुरमुख सारा नगर ही। ता ही भाई गुरदास साहब ने कहा ना जिथे बाबा बोलो जिथे बाबा जिथे मेरे बाबे ने पैर रखे पूजा आसन थापण सोआ ओ थाई पूजन योग हो गई जिथे गुरु बैठा जिथे जाए बह मेरा सतगुरु सोथान सुहावा ओ थाई सोहनी बन गई जिथे नाम जपण वाला गुरु बह गया। गल गुरमुखो बंदगी दी है सिमरन दी है। मैं शायद बेनती समाप्ति करा जिहड़ा गुरमुखों शायद मैं सांझी कीती सी मैनूं पता नहीं शाम दे दवाना कि सवेर दे दवाना विच गुरमुखो ब्रह्मा जी का पुत्र है नारद। ब्रह्मा जी के पुत्र का नाम नारद। नारद का सत्कार बड़ा सी। सत्कार की सी दरबार विच जांदा सी देवतियां दे देवते उठ के खड़े हो जांदे सी इंज वी नारद ब्रह्मा जी का पुत्र आ गया। एक दिन किसी ने दसिया वी नारद जदों तू दरबार विच आउणा है ते सारे उठ के तैनू जिया आ कहिंदे है तू बैठ जाना है जदों बैठ के वापस मुड़ के अक बाहर चला जाना है जिथे तू बैठदा है देवते सवा फुट धरती पट के बाहर सुट देंदे आ मिट्टी। कहन लगे तां बेइज्जती वाला काम है क्यों सुटदे आ? कहिंदे भी उन्हां ते पुछ ली। नारद आया दरबार विच गया उठ के सारे देवते खड़े हो गए भी ब्रह्मा जी का पुत्र आया। प्यो का सत्कार सी ना सत्कार सी पुत्र का। गुरमुखो बैठा रहा सारे सत्कार करते हैं उठ के बाहर गया ना जदों पिछों दे पिछों वापस आया मुड़ के तो की देखते ने कई देवते मिट्टी पुट्टी जाते थे बैठा से पुछ लिया कहन लगे एक पट सत्कार करते हो दूजे पासे मिट्टी पुट के सुट दिने बाहर। देवते कहिंदे सत्कार इस करके करदे आ वी ब्रह्मा जी का पुत्र है सत्कार इस करके है ते आ बेइज्जती क्यों करदे हो पुट के सुट दिंदे हो मिट्टी। कहन लगे नारद तू गुरु वाला नहीं है प्यो तू ब्रह्मा जी का पुत्र है ठीक है पर तू निगुरा है तू गुरु वाला नहीं है अजे तक ते जिथे निगुरा बैठ जाए ना वो धरती भ्रष्टी हो जाती है जिथे तू बैठदा वो धरती भ्रष्टी जाती है इस करके वो धरती पुट के सुट दिने बार। हुण गुरमुखो दो चीज़ा ने एक पासे जिथे निगुरा बैठ जाता है वो धरती भ्रष्टी जाती है दूजे पासे नाम जपण वाला बहिंदा वो धरती पूजण योग हो जाती है। पातशाह कहिंदे सिखा तू सिमरन करें तू बंदगी करें जिथे गुरु बैठा है वो धरती भी भागा वाली जिथे गुरु की बंदगी करन वाला सिख बह जाए वो धरती भी भागा वाली। इस करके देही सूई मुख धन है जा मुख कही है राम देही
किसकी बापरी पवित्र होए गो ग्राम। भाई शरीर का छड़ो वो तो धरती पवित्र है जिथे नाम जपण वाला बहिंद है। इस करके पातशाह ने कहा नाम कहत गोबिंद का सूची पई रसना। नाम जपिए तो जबान भी सुची हो जाती है, मन तन निर्मल होई है। कहन लगे तन भी निर्मल हो जाता है, मन भी निर्मल हो जाता है। क्यों हो जाता है? जे भाई रसना दे नाल परमेश्वर का नाम जपिए। एक बार सारे आखो वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू। भुलां चुकां दी खिमा फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ।